राजधानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में देर रात फुटपाथ पर सो रहे 6 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया है। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं जिनका इलाज ZTV हॉस्पिटल में चल रहा है और उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि देर रात एक अज्ञात कैंटर DTC डिपो रेड लाइट को पार करते हुए DLF की ओर जा रहा था। काफी तेजी से और लापरवाही से ट्रक चल रहा था, जिसने रूट डिवाइडर पर सो रहे 6 व्यक्तियों को कुचल दिया। इसमें 4 को थाना सीमापुरी के MPB ने तत्काल GTB अस्पताल में शिफ्ट किया। 2 की मौत हो गई मौके पर ही। 4 घायल व्यक्तियों में से एक को प्रारंभिक उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया और एक युवक की बाद में मौत हो गई। बता दें कि पुलिस टीम जांच कर रही है और उपरोक्त धारा में मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं इलाके के CCTV फुटेज कमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार किया जा सके। रात को ये हुआ कि ये सो रहे थे, तो 1:36 पे कोई गाड़ी आया, ट्रक आया, आके उड़ा के इधर से आया, आ रहा था गाड़ी इधर से आया, तो इनने घुमा के पहिया इधर कर दिया, तो ट्रक चढ़ गया इसके ऊपर, ट्रक और ट्रक कुचलता हुआ गया सबके साथ, चारों के ऊपर कुचलता हुआ चला गया। तो दारू के नशे में थे, वो दारू पीते हैं। वो कितने लोग सो रहे थे यहाँ पर? यहाँ पे कुल 6 जन सो रहे थे।